हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। तो बिल्कुल, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। वो तो बहुत जरूरी है। और रोमा ने कुछ कहा कि आज कुछ वो स्पेशल बनाने जा रही है। हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ चौसा भात। चौसा भात क्या होता है? चौसा होता है गढ़वाल की डिश है, कुमाऊँ की डिश है। भट की दाल होती है, ब्लैक वाली। अच्छा, तो उसको पहले भूनते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, फिर उसका बनता है चौसा। ओके। तो वो दिखाऊंगी आपको अभी, पर पहले कुछ हमने जो डेवलपमेंट हमारी हुई थी, कुछ खराब हो गई थी, खेत टूट गए थे, वो सब योगेश ने दिखाने हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको। और हमारा ऊपर का काम चल रहा है, शुरू हो गया है। बीच में लेबर छुट्टी कर गई थी, सामान मंगा के लेबर छुट्टी कर गई थी। बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग होते हैं हम। पर हमारी जो अपनी लेबर है, जो वो रेगुलर हमारे आ रही दोनों है। बच्चे हैं उधर के, वो हमारे तीन चार बच्चे हैं जिनको हम बुलाते हैं, वो आ जाते वो हैं। तो कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। उन्होंने खेत तैयार कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने आप ही। उनको बोलने की जरूरत नहीं होती नहीं हमें। पड़ती, नहीं पड़ती, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप काम करते हैं, अपनी जिम्मेवारी से काम करते हैं। और इस बरसात, 3 दिन की लगातार बरसात जो हुई है, उसमें ना हमारे 2 खेत टूट गए थे, जिसमें मटर की काफ़ी हमारी फसल ख़राब हुई है। ये तो पहाड़ों में चलता रहता है ना? उसका चलता रहता है। और तो हमने वो दोबारा से रिपेयर भी करा दिए हैं और मटर को वापस लगवा भी दिया है। अब देखो कितनी मटर आती है। अभी तो खाद भी ढूंढनी है हमें, खाद भी लानी है मिस्टर भाटिया, हाँ, वो सबसे तो जरूरी। सबसे बड़ा टास्क क्योंकि अभी है। तो मैंने पौध बनवाई हुई है लड़कों से, तो पौध तैयार होंगी अभी। सारी खीरे की, बैंगन, करेला, ककड़ी, बहुत सारी हैं, शिमला मिर्च, खरबूजा, ये सब के अभी पौध तैयार हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम उनको लगाने से पहले सारे खेतों में खाद डालेंगे, पूरा रोल खाद करेंगे। खाद डाल के हमें ना फिर से दोबारा से उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, हाँ गुड़ाई, ताकि वो मिट्टी के अंदर खाद चली जाए हाँ और वो नेचुरल, हमारी एक उस तरह से नेचुरल न्यूट्रिशन मिल जाए न्यूट्रिशन, खेतों को। नेचुरल। कोई वो यूरिया नहीं, कोई पोटेशियम नहीं, कोई साइनाइड और कोई दवाइयाँ, मेडिसिंस, कोई जो दवाइयाँ नहीं मतलब डालते। कोई हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते। हाँ, सिर्फ एक होता है जो इसमें अभी कीड़ा लग जाता है ना, वो थोड़ा सा हम डालते हैं, वो ज्यादा थोड़ा नहीं। डलेगा क्योंकि कीड़ा ना लगे। फिर चलो पहले हम बनाते हैं चौसा भात चौसा बात बनाते हैं, और उसके बाद साथ में आपको। जखी आलू भी, हाँ, जखिया आलू भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिसे यहाँ कहते हैं आलू के गुटके। आलू के गुटके। ठीक है, चलो चौसा भात बनाने से पहले मैं जोई की हरकतें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसकी हरकतें हैं। जरा सा हम खड़े हुए और ये भागेगा आगे आगे, कि पता नहीं कहाँ जाना है जैसे इसको घूमने। ये देख लो, हमारे से पहले तो इसको जाना है। इस हमसे पहले भाग जाता है। पहले खेतों में जाएगा, खेतों में नहीं तो नीचे भाग जाएगा। योगेश पीछे पीछे, वो नीचे। जो ही पापा, ये देखो कैसे भागा 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 आजा भागा। इसको पता चल गया पापा गए हैं उधर। आजा, ये वाला खेत टूट गया था, पूरी मटर की फसल नीचे आ गई थी। पर जोड़ा अच्छा है इन्होंने, अच्छी तरह से किया है कवर, है ना। ये सारा दोबारा से बनाया, ये सारा यहाँ तक पूरा ये जोड़ दोबारा। हमारे दिया। सारे काम ना दो दो बार हो गए। और नीचे वाला जो खेत है वो भी। ये हमारी मटर की फसल आ गई है, आप ये देखिए। पालक है, ये पालक है, ये पालक है, हाँ ये सारी पालक आ रही है, ये सारी पालक आ रही है, ये ये मटर आ मटर रही है। है। और उसमें ये पलम का वो लगा रखा है, पेड़ पलम। और ये वाला नीचे का खेत आप देख रहे होंगे, थोड़ा नया नया सा लग रहा है। ये पूरा टूट गया था हमारा, तो ये पूरा जोड़ा है, दीवार बनाई है अच्छे से और गुड़ाई की है इसकी। तो देखिए अब क्या होता है, योगेश उधर से जा रहे हैं कोने कोने से, और फिर वहीं से ऊपर चढ़ जाएंगे हम लोग। हैं योगी, यहीं से ऊपर चढ़ जाओ जो ही, क्योंकि बहुत कूं कूं कर रहा है कि गए का मम्मी पापा। ये कोशिश तो की है रोमा इन्होंने मटर बचाने की, हाँ, काफी बच भी गई है, पर अब बीच की फिर से कभी सारी नहीं आ नहीं, जाती। बीच की सारी खत्म हो गई है। वो अगर निकल गई निकल गई, नहीं तो खराब हो गई। ठीक है, बिल्कुल, चलता है पहाड़ों पर। ये देखो कहाँ से आया ये ऊपर से, चलो जो ही पापा जा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आया, उसे रास्ता नहीं मिला तो वहां से गया। ये था, उसको हमने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। अब इसमें नींबू आने शुरू हो जाएंगे। अब पत्ते आएंगे, पहले योगेश पत्ते आने हाँ, शुरू वो होंगे इधर ना। तो हाँ, पहले पत्ते आएंगे। क्योंकि अब ये गर्मी शुरू हो गई संतरा ना, माल्टा सब बचा रखे हैं। सारे बचा रखे हैं।
अब देखिए कब तक शुरू, उनके पास पहुंच जाना चाहिए। हाँ। कि हमने उनके गिफ्ट किए हुए पेड़ सारे बचा के रखे। हाँ, सारे पढ़ रहे हैं ये नर्सरी में, सातों के सातों बचा के रखे। और यहाँ हमने मेथी लगाई हुई है, आप अगर देखेंगे बहुत छोटी छोटी आई है, पूरा मेथी के पेड़ आए, छोटे 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 से इसमें सब में मेथी आई हुई है। अभी ऊपर दिख कम रही है क्योंकि धूप बहुत तेज पड़ रही है। और यहाँ से हम दूसरे जगह से जाते हैं और ये ऊपर, तो ये तो खेत दिखा दिया, अब हम जा रहे हैं चौसा भात के लिए बनाने। तो मैंने सोचा अब चलो चलती हूँ किचन में, फिर योगेश आते हैं पीछे पीछे, वो उन्हें भी देखना होता है ना कुछ चलानी होती करछी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चौसा भात। ये मैं बना रही हूँ चौसा, यानी कि गढ़वाली डिश है भटकी, जो कि ये भटकी दाल होती है, ये है भटकी दाल। आपको उड़द दाल जैसी दिख रही होगी, पर ये उड़द दाल से बड़ी होती है, मोटी होती है। ये इसको मैंने कढ़ाई में भून लिया था और फिर मिक्सर जार में पीस दिया ऐसे। अब इसका बनाने का तरीका ये होगा, ऑथेंटिक गढ़वाली दाल। इसमें मैंने आटा डाला है और आटे को भून लिया अच्छे से, थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन करना है आटे को, फिर इसका टेस्ट ही डिफरेंट आएगा चौंसा का। ये प्रॉपर मैं एक गढ़वाली दाल बना रही हूँ, गढ़वाल में बनती है ये दाल, और आपको इस दाल के फायदे भी बहुत सारे बताती हूँ अभी। ये हमारा आटा पूरा भुन चुका है अच्छे से, और इसको बस मैं अभी अलग कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अभी चीज़ काम आनी है आटा। अभी आप सोचोगे मैं बना तो दाल रही हूँ और ये क्या बना रही है उसमें आटा, तो अभी इसको बताती हूँ क्या बनेगा। इस आटे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि हमने जो ये दाल बनानी है क्वांटिटी कम है, तो हर चीज़ की क्वांटिटी भी कम होगी। अगर आप देखेंगे ये मैंने दो बड़े चम्मच आटे के लिए, और ये हमारे दोनों के लिए इनफ है। ये ले लिया आटा भुना हुआ, अब इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल। ये डल गया सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद, अब जैसे गढ़वाल में तो यूज़ होता है चखिया, आपको पता ही होगा, तो चखिया मैं फॉरएवर रखती हूँ घर पे। और इसमें डालेंगे हींग, चखिया और थोड़ा सा जीरा। तो बीच बीच में योगेश भी आ गया कि रुमा मैं भी खाना बनाऊंगा। रुमा बना के रही हो पहले तो? आपको सब पता है, आप जानबूझ के बोलते हो। मेरे को नहीं पता। चौंसा बन रहा है भटकी दाल का, जो अच्छा। मैंने पीस के रख दिया। तो इसमें डालेंगे हम हींग, पहले हींग डाल दी। हींग के बाद डलेगा ये जखिया, जो सबसे स्वाद होता है, टेस्ट हो। ये कुमाऊं साइड नहीं मिलता, कम होता है। और साथ में डल गया जीरा। मैंने डाल दिया है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, वो भी थोड़ी मोटी मोटी पीस कर। जो ये ज़रा अच्छी तरह चलाते रहो, अच्छे से चलाओ। वो मैं अच्छे से ही बना रहा हूँ यार। वैसे आप एक्सपीरियंस हो गए जब तो पहाड़ों पर आए हो। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। सारे काम करवा दिया। सारे काम तो तू मेरे ही करा दिया फिर। मिर्ची है ना थोड़ा इसमें, तो थोड़ा लगेगी गले पे। तो नेचुरल है वो तो। अब अच्छा, इस चौसा में जो है ना वो नहीं डलेगा, टमाटर नहीं डलता। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं डलता। हाँ, जैसे कुमाऊं में वो बनता है इसके चुरकानी। हाँ। हमारे यहाँ जो है ना गढ़वाल में भी होते हैं, जो दाल के बनते हैं सीधा भून के। हाँ। हमारे में यहाँ पर बनता है इसे पीस के, जो मैंने ये पीस के रख दी थी। अब इसको अच्छी तरह से भुनो। पहले भी ऑलरेडी भुनी हुई है ये दाल, पर अब इसको मसाले के साथ भुनना, और इतना अच्छा स्वाद आता है इसका। और साथ में बनाएंगे हम
जीरे वाले आलू या जखिया वाले आलू? जखिया वाले आलू है ना, अच्छा लगता है ना आपको? अच्छे लगते हैं जखिया वाले। तो आज प्रॉपर ऑथेंटिक पहाड़ी फूड खाएंगे, पहाड़ी खान पान। हाँ, और इसमें डलेगा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और अच्छी तरह भुनो। फिर उसमें मैं डालूंगी ये आटा भुना हुआ। आटे को क्यों भुना हमने? सब पता चलेगा अभी पानी डालेगा। आटे को हिलाने हिलाना पड़ेगा, नहीं तो आटे की रोटियां बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। तो लम्स ना बने, इसको अच्छी तरह हिलाते रहो। आटा ना पता है क्यों डाला जाता है? थोड़ा गाढ़ापन आने के लिए, और उससे स्वाद बनता है। अच्छा, अभी देखो इसको अच्छी तरह ऐसे मैश करते चलो, इसका स्वाद ही बहुत डिफरेंट होगा जब आप खाओगे ना। और इसे सिर्फ लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? लोहे की कढ़ाई में? लोहे की कढ़ाई का अलग ही स्वाद आता है खाने वाला। तो आपने नोटिस किया होगा हम स्टील की कढ़ाई में बनाते हैं खाना, एल्युमिनियम की, नॉन स्टिक में, पर जो लोहे की कढ़ाई का खाना होता है उसका आयरन बढ़ जाता है। यस, और इस दाल में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो अच्छी बन गई ना, कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल रोए, इसमें ना बहुत सारी चीजें हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, हड्डियां मजबूत करता है। ये दाल में ना 50-60% नॉर्मल दालों से 50-60% प्रोटीन्स भी ज्यादा होते हैं। तभी तो मैं बोलती हूँ पहाड़ियों की जितनी भी दालें हैं वो ऑलरेडी इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरह से। ये हाँ बिल्कुल, ये बात तो हमने बिल्कुल ठीक कही कि ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये बना हुआ। अब देखो थोड़ा आटे से वो थोड़ा इसको हो गया, लपट गया एक तरह से। हाँ, दाल नहीं तो पानी अलग, पानी अलग हो जाती, दाल अलग हो जाती। अभी देखना और अच्छी हो जाएगी, इसको जितना पकाएंगे ना गाढ़ी होगी। बेशक पतला करने के लिए पानी डालो, पर इतनी टेस्टफुल और इतनी अच्छी लगेगी ना ये दाल अब, और खाने में तो और स्वाद आएगा इस दाल का। चलो रोमा, तुम तब तक इसको कंटिन्यू करो। और आपको एक और चीज बता देती हूँ, लिवर के लिए ये दाल बहुत अच्छी है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है, इसमें आयरन इतना ज्यादा है। एक तो लोहे की कढ़ाई, ऊपर से भटकी दाल में आयरन बहुत अच्छा होता है, जैसे आपको योगेश ने बताई दिया है। तो चलो जब बनती है फिर बताते हैं। और ये हमारा तैयार हो गया चौंसा, बट की दाल का चौंसा। तो अब इसमें मैं एक तड़का मारूंगी जो योगेश को बहुत अच्छा लगता है, देसी घी का लाल मिर्च के साथ। तो आवाज़ें भी बहुत आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर में। तो चलिए पहले मैं तड़का मारती हूँ। ये मैंने करछी में तैयार कर रही हूँ तड़का। ये डला है घी, घी मेल्ट होगा जब तक ये मेल्ट होता है थोड़ा सा, पर आपकी अपनी चॉइस है, अगर तड़का डालना हो डालिए, नहीं तो नहीं। अब ये मेरा घी बिल्कुल तैयार है तड़के के लिए। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा देगी मिर्च, ये डाल गई देगी मिर्च। ये होगा तड़का रेडी। ये बन गया है बट का चौंसा। तड़का तो मैंने मार दिया था चौंसा में, पर एक चीज़ भूल गई, धनिया। पहले मैं धनिया तोड़ती हूँ फिर दिखाती हैं। और ये लाई हूँ मैं फ्रेश फ्रेश धनिया तोड़ के, जो इसमें डालना था चौंसा में। ये हमारा डल गया धनिया, फ्रेश धनिया। अब सर्व करूँगी तब मिलते हैं। तो ये है चौंसा भात, बिल्कुल याद आ गया, चौंसा भात बिल्कुल गढ़वाली स्टाइल, बिल्कुल गढ़वाली स्टाइल में। अब यहाँ से ऊपर से चावल नीचे दाल में आएंगे और फिर मिक्स करके खाए जाएंगे, तो और वो भी हाथ से। हाँ तो चलो खाते हैं, मजेदार खाना, टेस्टी टेस्टी। कैसा लगा? अच्छा है। पता है ये हेल्थ के लिए कितनी अच्छी दाल है। नाइस। का खाना प्योर पहाड़ी गढ़वाली स्टाइल का, पहाड़ी खाना, पहाड़ी खाना।
मुझे याद आया जब हम छोटे थे मम्मी ऐसे खाना देती थी। देखो साइकिल है, बचपन याद आता ही है ना। दाल अच्छी है ना, तो भी अच्छी, पता है पेट के लिए कितनी अच्छी है, लिवर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। रोमा प्याज ले लो इसमें से, इसको मैं कहता हूँ भटके दाल की कड़ी। अरे ये पता है और दूसरे स्टाइल से बनती है, जैसे इसको भिगो के फिर इसको पीस लो, पीसने के बाद इसको फाड़ू बना दे, फाड़ू अच्छा। जैसे मैं काले चने का बनाती हूँ पीस के, वैसे ये भी बन सकती है। मैं तो इसका नाम अभी कड़ी का नाम दूंगा इसको, इसका नाम है कड़ी, भटकी दाल की कड़ी। जैसे बेसन की कड़ी होती है ना, ऐसे ये भटके दाल की कड़ी होगी। हाँ आपने बोला था ना कि रोमा ये आटा क्यों डालता है भून के, आटे का कच्चा बनना रह जाए, जैसे याद है कड़ा प्रसाद बनता है भून के अच्छी तरह आटा, इसीलिए इस आटे को पहले भुना था मैंने। इसमें आटे का कहीं स्वाद आया कि आटा डाला है इसमें? नहीं कहीं पर भी नहीं। खाना अच्छा था, कैसा लगा आपको बनता हुआ ये आप बताएंगे हमें कमेंट्स में, और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं और लगभग सभी को रिप्लाई भी कर देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, कौन सा बात का। यस तो ठंड बहुत हो गई है, फिर से ठंड हो गई, जैकेट्स बाहर आ गई हैं, सुबह शाम की ठंड है, दिन में धूप निकल आती है तो गर्मी लगती है, और देखिए बॉनफायर भी हो गया, बॉनफायर भी चलती है। और रोमा की जैकेट फर वाली बाहर आ गई है, और जोई का ऑल इन वन एक ही काम रहता है, दिखाओ चौकीदारी करना। देखिए सारा दिन ये वहीं बैठा रहता है, सारा दिन धूप हो छांव हो ठंड हो यहीं बैठना है इसको, बस कुछ नहीं करना है, सड़क पे आते सिर्फ आते जाते लोगों को सड़क पे देखना है, और वहाँ नीचे अगर कोई बकरी गाय कुत्ता जाएगा तो उस पे भौंकना है बस। इसे ठंड नहीं लगती है? ठंड तो मतलब ही नहीं होता है, हिमालयन ब्रीड है ना। ये तो हिमालयन ब्रीड है, सही बोला। आज का हमारा दिनचर्या खत्म होती है, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नई डेवलपमेंट्स के साथ, नई सोच के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।